हे फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एकदम न्यू रेसिपी के साथ में और टेस्टी रेसिपी के साथ में आज बनाएंगे जामुन का जैम। एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब जैम बना के तैयार करेंगे जामुन का। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं आधा किलो जामुन ली हूँ और मार्केट के अंदर इस दिनों में बरबर के जामुन आ रहे हैं और ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलती हैं जामुन, कुछ दिन के लिए ही दिखाई देती हैं। चलो अब मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ और जामुन को बॉईल कर लेती हूँ जामुन का जैम बनाने के लिए। कढ़ाई के अंदर डाल दी हूँ, अब पानी डाल दूंगी। जब तक मैं जामुन को बॉईल कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अब मैं ढक के पकने देती हूँ, थोड़ी देर के बाद में मैं देखती हूँ। तो जामुन काफ़ी हद तक पक चुके हैं और इसे दबाते रहना है और गुठलियों को बाहर निकाल देना है दबा दबा के, अच्छी तरह से वो बॉयल हो जाएंगी। एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब जामुन का जैम बना के तैयार करेंगे। तो बॉयल होके तैयार हो गए, अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। इसको दबा दबा के इसके तोड़ दी हूँ मैं, अब गुठलियों को बाहर निकाल लेती हूँ। आप मार्केट के अंदर काफ़ी महंगा जामुन का जैम लेने जाते हो, आप घर पे ही बना के तैयार कर सकते हो जामुन का जैम। सभी गुठलियों को मैं बाहर निकाल दूंगी और फिर इसे मिक्सी जार के अंदर डाल के और पीस के तैयार कर लूँगी। तो मैं मिक्सी जार ले लेती हूँ और मिक्सी जार के अंदर डाल देती हूँ और इसका फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ। अब मिक्सी जार के ढक्कन को बंद करके और इसे पीस के तैयार कर लूँगी। तो लीजिए, मैं पीस के तैयार कर ली हूँ, एकदम फाइन पेस्ट बन के तैयार हो गया। छानने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही बनाएंगे। मैं एक कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ गैस पे और कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ इसे। कढ़ाई के अंदर मैं डाल दी हूँ, अब मैं इसे पका लेती हूँ। और हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, आपको लो फ्लेम पे ही पकाना है। इतना पकाना है थोड़ा टाइट होने लग जाए जब इसके अंदर चीनी डालनी है। इसे घुमाते रहना है, नीचे चिपके ना, इसलिए इतना टेस्टी, इतना लाजवाब बनके तैयार होता है। बच्चे बड़े देखते ही टूट पड़ेंगे इसे खाने के लिए। इसे ब्रेड के साथ खाइए। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल देती हूँ और चीनी को भी अच्छी तरह से पका लूँगी मिक्स करके। फ्रूट जैम हर प्रकार के बना सकते हो आप, किसी भी फ्रूट के बना सकते हो। एप्पल फ्रूट जैम बना सकते हो और ये जामुन का जैम बना सकते हो। आप जिस भी फ्रूट का बनाना चाहते हो उसी फ्रूट का बन जाता है जैम। तो अच्छी सी उबाल आ गई इसके अंदर और इसे घुमाते रहना है, नीचे चिपके ना। गैस की फ्लेम को लो रखना है, हाई पे नहीं रखना। और इसे टाइट होने के बाद में गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इजी तरीके से आप जामुन का जैम बना के तैयार कर लोगे और बड़े बड़े मॉलों के अंदर आप लेने जाते हो, घर पे ही बना के तैयार कर लीजिए आप। काफ़ी हद तक टाइट हो गया जामुन का जैम। आप इसमें एक नींबू का रस भी डाल दीजिए। मेरा वीडियो स्किप हो गया इसलिए वीडियो के अंदर दिख रहा नहीं, मैं नींबू का रस डाली हूँ एक चम्मच। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडे होने के लिए रख दूंगी। जामुन का जैम बनके तैयार हो गया, अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करके और फिर कटोरी के अंदर सर्व कर दूंगी। इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे
और ठंडे होने के बाद में ये टाइट हो जाएगा। तो ये ठंडा हो गया, देखो कितना प्यारा और कितना अच्छा जैम बन के तैयार हुआ है। अब मैं कटोरी ले लेती हूँ, कटोरी के अंदर परोस देती हूँ जैम को। देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा जैम बन के तैयार हुआ है, एकदम मार्केट स्टाइल में। आप मार्केट अंदर लेके आते हो, क्या पता कब का बना हुआ है, काफ़ी दिनों पहले का बना हुआ होता है। और घर पे बनाइए और स्टोर करके भी आप रख सकते हो इसे, इसे ब्रेड के साथ आप खा सकते हो, ब्रेड के लगा के। एकदम टेस्टी वाला जैम बन के तैयार हो गया, एकदम लाजवाब। नवे रसोई के अंदर आपको जामुन की जैम की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय माता दी। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में, एकदम न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ में। धन्यवाद।